मुझे यकीन है कि आपके फ़ोन में भी बहुत सारे WhatsApp ग्रुप्स होंगे, लेकिन WhatsApp ग्रुप सिर्फ वीडियो या मीम शेयर करने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके द्वारा भी बहुत सारा सेवा का कार्य किया जा सकता है। और यही हमें देखने को मिलता है आज सेवा NGO की तरफ से आयोजित सेवा संगम कार्यक्रम में। कोरोना के समय से सेवा NGO सीकर वासियों की नज़र में आया जब इन्होंने कोविड के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन रेगुलेटर्स, ऑक्सीजन मास्क और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की जब ज़रूरत थी, तब ये NGO आगे आया और इन्होंने लोगों के मध्य उनके दवाइयों के किट पहुंचाए, उन्होंने प्रशासन को मदद करते हुए ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध करवाए, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीकों से इन्होंने समाज की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज इसी सेवा NGO के द्वारा सीकर के कुडली में मयूर गार्डन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर ऐसे और लोग जो अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके से समाज की जो सेवा करते हैं उनके सम्मान का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं और जानते हैं सेवा NGO के बारे में और अधिक इन्हीं के कार्यकर्ता से। दिनेश जी, आज ये जो कार्यक्रम है ये सेवा संगम के बैनर के नीचे आयोजित किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा सेवा के बारे में। सेवा जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप से निकली हुई एक संस्था है। इनिशियली जैसे अपन व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहते हैं, उसी माध्यम से हमारा एक फ्रेंड सर्कल, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं या अलग अलग अपनी अपनी वर्क प्रोफाइल के हिसाब से काम करने वाले लोगों का एक समूह, एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसको सीकर गैंग के नाम से हम लोग, जैसे अपन कॉमेडी के हिसाब से या एंजॉय के हिसाब से या टच में रहने के हिसाब से मेंटेन करते थे। लेकिन कोविड के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान, उसी ग्रुप को एक सार्थक रूप देते हुए सीकर सेवा के रूप में हमने काम करना शुरू किया। अभी तक इस ग्रुप या सेवा सीकर के बैनर के नीचे कोविड के दौरान अलग अलग जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन रेगुलेटर, या फिर उसके अलावा हमारे ग्रुप के साथी अनिल जी धीवाएँ, उन्होंने अपने बिहाफ पर 30 लाख रुपए की कीमत के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो प्रशासन को उपलब्ध करवाए थे। इसी तरह से सब लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोविड के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का कलेक्शन करके एक ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाने का कार्य किया। साथ ही किसान आंदोलन के अंदर जैसे शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर किसानों को टेंट उपलब्ध कराना, सीकर में भी किसान आंदोलन जो हुआ था उसके अंतर्गत जो भी हमारा रोल था, जैसे साउंड की व्यवस्था करवाना, या इस तरीके के जो कार्य जहाँ भी हमें लगता है कि समाज में एक परिवर्तन की बात हो रही है या जहाँ एक ज़रूरतमंद को ज़रूरत है मदद की, वहाँ पर हम हमारे सामर्थ्य के हिसाब से जितने लोग ग्रुप में, लगभग 256 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी के तहत जो जिससे बन पाता है वो मदद करने की कोशिश करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें खास तौर से सीकर जिले की वो प्रतिभाएँ जो एक तरह से आप कह सकते हैं छुपे हुए हीरे जो हैं उनको निकाल कर सामने मंच पर लाकर सम्मानित करने का ये फैसला हमने किया है, जिसमें अलग अलग चाहे वो खेलों से जुड़े हुए हों या फिर किसी भी फील्ड के, वो लोग जो अपने आप में एक पहचान रखते हैं और जिन्होंने अपने फील्ड में अपना नाम एक तरह से बनाया है, अपने गांव का, अपने शहर का या पर्सनल रूप से, उन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए ये सेवा संगम का जो प्रोग्राम है उसका आयोजन आज किया गया है। आज ये सेवा संगम का कार्यक्रम देखा और इसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे जब बताया गया तो मैं बहुत खुशी यहाँ आया हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सीकर में एक जो समाज के लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है और उसका नाम सेवा है, और सेवा संगम का जो आज ये मिलन था ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये आने वाले समय में सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्तंभ होगा। ये सेवा संगम में इन्होंने कोरोना के दौरान भी काफ़ी सारी जगह पे मास्क बांटे, ऑक्सीजन की व्यवस्था की और सेल्फलेस सर्विस की, और मैं आज ये सेवा संगम के तमाम उद्याधिकारी पदाधिकारियों को एक बार और मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये संस्था आगे बढ़े और समाज की सेवा करे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीकर के बहुत सारी ऐसी शख्सियतों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और सीकर का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन किया है। तो अभी ऐसे कुछ अवार्डीज से हम बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव। मेरा नाम नीरज चौधरी है और इस साल 2021 में मई 31 को हम लोगों ने
इंडियन टीम की तरफ से एवरेस्ट टीम के हम मेंबर थे और सक्सेसफुली हम लोगों ने क्लाइम किया था एवरेस्ट को। खास बात इसकी ये रही थी कि एक तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से मैं अकेला ऑफिसर था उस टीम में, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमें जो विंडो मिला था बहुत छोटा विंडो मिला था, तो हमारे लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा थी, और हमने डायरेक्टली कैंप 2 से जो 6400 मीटर पे है वहाँ से एवरेस्ट को क्लाइम करना जो कि 8848 मीटर पे है, और वापस सेम डे कैंप 2 पे आना करीब करीब हमें 36 घंटे लगे थे। तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा था, और इसी चीज़ के लिए आज यहाँ सीकर सेवा संगम में हम लोगों को इनवाइट किया गया। तो हम लोग इनका भी बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और जो भी अचीवर्स हैं उनको मोटिवेट करना, तो ये सब चीज़ों के लिए एक जो सामाजिक सरोकार है उसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम राजीव कुमार है, एक छोटे से गांव रिणाव का रहने वाला, और अंटार्कटिका जैसी सरजमीं पर मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं युवाओं के लिए आज यहां पे कहना चाहूंगा कि ज़िंदगी में जब मुकाम हासिल करने की जिद हो, ललक हो, तो कोई भी असंभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटे से गांव रिणाव का रहने वाला राजीव जब अंटार्कटिका की दुनिया के आखिरी छोर में जा सकता है, तो हर कोई जा सकता है, बशर्ते उसके लिए जुनून चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जिद चाहिए। अंटार्कटिका हिंदुस्तान से 4.5 गुना बड़ा, 98% पर बर्फ़ का हिस्सा, जहाँ का मिनिमम टेम्परेचर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया वो -89.2, और मैंने -40 -50 में अपने ज़िंदगी के लास्ट 5 साल में लगभग 38 महीने वहाँ अंटार्कटिका में बिताए हैं। तो ये बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है, विज्ञान के क्षेत्र में अपने जो लोग हैं सिक्योरिटी अंचल के जो लोग हैं वहाँ पर जाएँ और अपनी तरक्की करें, देश का झंडा वहाँ पर लहराएँ, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। और इसी मेरी 38 महीने की जो जर्नी है उस पर मैंने एक किताब लिखी है, बहुत ही खूबसूरत है, जो सीकर सेकाडियो अंचल से जुड़ी हुई है, तो इसका शीर्षक भी मैंने रखा है सीकर से शिखर तक क्वारंटाइन 38। तो इसको पढ़ें कि हम वहाँ की ज़िंदगी क्या है। इसमें बहुत ही अच्छे कोटेशंस दिए हुए हैं कि हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं, संघर्ष है वो ज़िंदगी को मजबूत बनाती है, पागलों ने ही दुनिया बदली है। तो ऐसे कुछ शीर्षक हैं जो इस पुस्तक को और रोमांचक बनाते हैं, और पढ़ने के बाद में बहुत ही मज़ा आएगा, आगे बढ़ने की ललक बढ़ेगी, और ये मेरा कहना है कि इसको पढ़ें और अंटार्कटिका जैसी सरजमी पर जाने का एक एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाएं। मैं पहले तो सेवा संगम जो अपना ये सम्मान समारोह लगा है उसको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमें इतना सम्मान और प्यार दिया, और ये जो कला क्षेत्र का जो हमने जो अपनाया है एक मतलब अपनी सेकावाटी को, और मैं मारवाड़ी में बात करूं ज़्यादा तो मैं बताऊं कि आपने जो सेकावाटी है भी कि वो जो कल्चर है जहाँ लूगड़ा घाघरी और जो अपना पुराना जो गाना है वह छूट चुके, अबा के लिए हम काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो मन प्यार और प्रेम भी बताओ आपने सेकावाटी से मिल रहे हो है, तो बहुत दिल खुश हुआ कि हाँ आपनों काम में मतलब लोग सराहना कर रहे हैं और प्रेम दे रहे हैं, और आज अटे मान सम्मान के लिए बुलाएं तो दिल खुश तो हो ही है। और जितना भी मेरा भाई बहन जो भी देख रहे हैं, तो जो सभ्य तरीके से और सभ्यता से काम कर सी तो जरूर मान सम्मान लगन से काम कर सी तो जरूर अपन मिल सी, कोई करो चाहिए चाहे थे करो चाहे कोई भी करो। आज आप ओढ़ना घाघरी पहन के काम कर रहे हैं, कल आप साड़ी पहन के काम कर रहे हैं, तो बिना मान सम्मान कौन मिले, क्योंकि लोग भी देखा ही को नहीं कि यार वो तो आज भी करे काल भी करे। तो मैं कंटिन्यू ओढ़ना घाघरी में, और आपने सेकावटी का जो गाना है छूट चुका पुराना बने में गा रही हूँ और बा के लिए काम कर रही हूँ, तो आज बिल्कुल मान सम्मान दिए भी के लिए धन्यवाद। मेरा नाम मंजू कुमार शेखावत है और मैं नांगलनाथों से संबंध करते हूँ। मेरे पिताजी का नाम शंभूषण शेखावत है और मैं मूर्तिकला से MBA कर रही हूँ फाइन आर्ट से। जो मैंने मूर्तिकला का स्टार्ट किया था, पहले मैंने ड्राइंग से BA किया, और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुझे जयपुर ला के पढ़ा सके, तो मेरे समाज वालों ने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आज मैं मतलब आज हम दिसंबर के अंदर जो आयोजन करने जा रहे हैं उसके अंदर हम 50 देश भर के आर्टिस्ट हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं, और हम समाज के लिए भी मतलब अलग अलग जगह जाके और शिक्षा के क्षेत्र में ये बताते हैं कि आर्ट किसी से मतलब जॉब के लिए लोग ऐसे सोचते हैं, तो जॉब के लिए ऐसे माना जाता है कि सिर्फ जॉब भी सब कुछ होती है, तो हम ये बताते हैं कि जॉब के बिना भी आप कुछ काम कर सकते हो। मतलब जो लेडीज़ें होती है वो कुछ पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो भी कुछ बना सकती है, कुछ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। आज ये जो प्रोग्राम है सेवा संगम की तरफ से, मैं इस प्रोग्राम को देखते हुए एक लाइन कह सकता हूँ कि है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो हमारे काजला जी, हमारे कमल भाई, इन सब लोगों की प्रेरणा से सीकर में एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना,
और इन लोगों ने कोविड के टाइम जो काम किया उसकी शब्दों में तारीफ नहीं की जा सकती। इसके बाद आज जो सम्मान किया है ये प्रेरणा है, क्योंकि गांव में कहावत है मोर नाचा जंगल में किसने देखा। ये प्रोग्राम एक केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये वो सामने जो लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे आपको देखेंगे, प्रिंट मीडिया पे आपको देखेंगे, उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें। जैसे अभी डॉक्टर राहुल कसवा जी ने कहा कि मैंने उस प्लेयर को 5,000 रुपये दिए, आज वो देश के कैप्टन के रूप में खेल के आए। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा समाज खैर व्यक्ति से कि वो अपने सामर्थ्य से कुछ ना कुछ सहयोग समाज का हमेशा करे। जैसे राम सेतु की राम गिलेरी का किस्सा हम सब जानते हैं, और बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, वो 1 रुपया हो सकता है, 1,00,000 रुपये हो सकते हैं, आप अपनी कमाई का कोई हिस्सा दान करते हैं तो वो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी कमाई का उस दे रहे हैं और समाज को जितना आप दोगे उतना समाज वापस आपको देता है। ये मेरा ऐसा मानना है, उनकी दुआएँ मान लो चाहे उनका कोऑपरेशन मान लो चाहे कुछ ही मान लें, सब कुछ दे सकते हैं। समाज ईश्वर एक वो चीज़ है जो एक बीज को बरगद बनाता है, बीज जमीन को देना होता है, जमीन वापस बरगद देती है, तो वही बात समाज के साथ है। समाज जमीन एक ही है, एक कर्म भूमि है, एक जन्म भूमि है, तो जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों सेम मानता हूँ मैं। तो आप यदि छोटा बीज भी दोगे ना तो बड़ा बरगद बनेगा आपकी प्रोस्पेरिटी का, आपकी गुडविल का, आपके स्वास्थ्य का, आपके परिवार का। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग करें, और आप सभी जानते हैं सीकरवासी कि कोविड के समय हमने सीकर में ऑक्सीजन प्लांट का एक मिशन अभियान छेड़ा था, जिस शिक्षण संस्थाओं लोगों ने मिलकर ऑन द स्पॉट 1 करोड़ इकट्ठे किए थे, और दिनेश भाई आप गवाह हैं कि मैंने मेरी लाइव पे अपील की थी तो 10 लाख तो हमने दिए सीएलसी उठे ही थे, उसके अलावा मेरी अपील से 19 लाख रुपये और आए थे और टोटल 29 लाख रुपये उस समय हमने जिला कलेक्टर को जमा करवाए थे और करीब 4 करोड़ कलेक्शन हुआ था। उसे आपको ध्यान होगा सीकर का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो देश का भामाशाहों का सबसे बड़ा प्लांट है वो, और ये सब ऐसे युवा लोगों की देन थी। तो मैं इन मेरे लाडले भाइयों का बहुत बहुत लाड प्यार आ रहा है आज मेरे को, बहुत बहुत स्वागत सम्मान, ये स्वस्थ रहें मस्त रहें, जय भारत। वर्तमान में जब किसान आंदोलन होते हैं तो उन्हें हम मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन सीकर की धरती पर 1922 से 1935 तक एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। लेकिन आज इसी सेवा संगम कार्यक्रम में सीकर के ही लेखक अरविंद भास्कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जाट महायज्ञ का इसमें विमोचन किया गया, और उस पुस्तक में बताया गया है कि किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन सीकर की धरती पर हुआ, वो भी राजा महाराजाओं के समय में, जिससे हम बहुत लोग जो होंगे वो शायद अनभिज्ञ होंगे। इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उनके लेखक से हम बात करते हैं, और मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इस तरह का जो इतिहास है उसे आप पढ़ें और दूसरों के साथ साझा भी करें। मैं अरविंद भास्कर, आज मेरी इस पुस्तक का विमोचन हुआ है जाट महायज्ञ। ये पुस्तक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 1934 में यहाँ पर 7 दिन तक लगातार यज्ञ चला था, और उस समय लगभग 1 लाख से अधिक लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उस यज्ञ का महत्व ये था कि यहाँ सीकर ठिकाने के खिलाफ किसानों को संगठित होना था, लेकिन सीकर ठिकाने में किसानों को अपनी सभा करने, संगठित होने का कोई अधिकार नहीं था। तो किसानों ने यज्ञ को ढाल बनाया और ठिकाने के सामने निवेदन किया कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। ठिकाना प्रशासन के सामने चुनौती थी कि अगर वो यज्ञ की परमिशन नहीं देंगे तो उनकी बदनामी होती, और वो न चाहते हुए भी उनको किसानों को यज्ञ करने की परमिशन देनी पड़ी। किसानों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया और लगभग 1 लाख से अधिक किसान, जो जाट किसान थे मुख्य रूप से, यहाँ किसानों में जो जाट कम्युनिटी के लोग थे, वो इस यज्ञ में शामिल हुए, और यज्ञ में शामिल होने के साथ ही उनका जो उद्देश्य था अपने आप को संगठित करना, उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे, और इसके बाद में जो सीकर किसान आंदोलन था उसको एक नई दिशा मिली। यज्ञ में साथ ही कई चीज़ें और भी थी, समाज सुधार की बात भी कही गई थी उसमें, जो ब्याज लेने की बात थी उस पर आक्षेप लगाए गए थे, और जो बाल विवाह था उसकी बात थी, खर्च जो होते थे मोसर उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में जो शेखावाटी सिरमौर बना है वर्तमान दौर में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, तो उस दिशा में इस यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पुस्तक लिखने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि एक बहुत बड़ी घटना यहाँ सीकर की धरती जिसकी साक्षी रही है, उसका वो इतिहास के पन्नों में अभी तक एक तरह से उपेक्षित रही है, तो उसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से पुस्तक लिखी गई है। और मैं खास तौर से जो सेवा संगम आज हुआ है, यहाँ सभी आयोजकों के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें पुस्तक विमोचन के लिए मंच उपलब्ध करवाया और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। सीकर संदेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जनता की आवाज़ जनता के सामने पुरजोर तरीके से रखते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हमारे साथ यहाँ पर मुख्य अतिथियों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजू चौधरी हैं। हम उनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, उनके क्या अनुभव रहे और क्या विचार हैं उनके। मैं राजूलाल चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी। मैं पूरी सेवा संगम की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 200 से 250 लोग 250 लोगों की एक टीम बना रखी है और वो सीकर के अंदर और आसपास के अंदर जो भी लोगों की समस्याएं हैं, गरीब जनता की समस्याएं, उनको समाधान करने के लिए कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया। खिलाड़ियों को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं और आज इन्होंने एक बहुत ही भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने खिलाड़ियों को भी सम्मान दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको सम्मान दे रहे हैं, तो आज के टाइम में सम्मान सबसे बड़ा है। मैं खुद खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ियों को भी जो सम्मान टाइम टू टाइम मिलता रहता था, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमने कार्यक्रम को देखा, हमने इसको पूरी तरीके से आनंद इसका लिया और हम यहाँ पर आए हुए अतिथियों से मिले, यहाँ पर जिन लोगों का सम्मान किया गया उनसे भी हम मिले और हमने ये देखा कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू होकर भी समाज की सेवा का प्रकल्प बहुत दूर तक जा सकता है। और इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सेवा एनजीओ इसी तरीके का एक प्रेरणा लेकर सीकर में काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में सेवा एनजीओ के माध्यम से सहायता मिलेगी, उनके लिए समाज में ये एक प्रासंगिकता साबित अपने आप की करेगा। और हमारी ओर से सेवा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।